about uses of microorganism. That means usefulness of microorganism in our daily life. लास्ट क्लास में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में किस प्रकार से उपयोगी है, किस तरह से उसका यूजफुलनेस है। आज कुछ और देखेंगे। लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे, कैसे कटिंग ऑफ मिल्क में, इडली डोसा बनाने में, बेकरीज में, ब्रेड बनाने में, इस सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है। कुछ वेरियस अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुडे वी विल सी। सम मोर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग देखेंगे ईस्ट किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से यूजफुल है हमारे लाइफ में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एट अ लार्ज स्केल ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, दैट मीन्स वाइन एंड बियर। एल्कोहल का यूज हम लोग ईस्ट का यूज अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं। यानी ईस्ट जो है जनरली प्रेजेंट इन क्रॉप्स लाइक बेयरली, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूसेस। जनरली इट इज यूज्ड for the commercial production of alcohol. alcohol के commercial production के लिए इसका use किया जाता है। alcohol यूज करते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं अल्कोहल के। वाइन, बियर, बहुत सारे कफ सिरप होते हैं, मेडिकल ड्रग्स होते हैं जिसमें हम अल्कोहल का यूज करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन है जिसमें अल्कोहल का प्रेजेंस होता है और हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो is present in grains like wheat, rice, barley and grapes, your fruit juices. So these are also used to make alcohol from alcohol. Alcohol बनाने के लिए इन सब चीजों का यूज करते हैं। इसे क्या करते हैं, सड़ा कर, यानी इसमें ईस्ट डालते हैं। ईस्ट क्या करता है, उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, वह ब्रेक होता है, वह मल्टीप्लाइज होता है और एल्कोहल रिलीज करता है। दैट मीन्स दीज मटेरियल्स अल्कोहल, व्हीट, राइस जो है, व्हीट, राइस, बेरी एंड फ्रूट जूसेस, कंटेन नेचुरल शुगर। इन सभी में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट ब्रेक्स डाउन
the sugar into alcohol. With the evolution of carbon dioxide gas, ईस्ट का फंक्शन क्या होता है? यह वीट में, राइस में, फ्रूट जूस में, सब में जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं उस शुगर को ब्रेक करता है इसमें अल्कोहल. दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Carbon dioxide gas bubbles out from the fermented solution carbon dioxide क्या होता है? फर्मेंटेड सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता लीविंग अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, दैट मीन्स अल्कोहल एंड वाटर. Alcohol and water. ध्यान देना है बिल्कुल अस्थिर से आपको प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईस्ट का किस तरह से यूज होता है. तो ईस्ट को मिक्स किया जाता है बीच में, राइस में, बेरी में या फ्रूट जूसेस में जिसमें कि नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं और ये ईस्ट क्या करता है उस शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है. कैसे करता है? तो एज वी नो दैट द एनोरबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द ईस्ट. ईस्ट में जो है एनोरबिक रिस्पिरेशन होता है. तो एनोरबिक रिस्पिरेशन में किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान दें. और ये जो प्रोसेस है शुगर का अल्कोहल में जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन. शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन. और जो सॉल्यूशन बनते हैं उसको फर्मेंटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो ईस्ट में ईस्ट का प्रोसेस क्या होता है? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना. कैसे कन्वर्ट करना? तो बाय द एनोरबिक रिस्पिरेशन. एनोरबिक रिस्पिरेशन के द्वारा ईस्ट जो है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. एनोरबिक रिस्पिरेशन दैट मींस द रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यह रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है और इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के रूप में जो गैस है वो बाहर निकल जाता है, पीछे रह जाता है अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर. तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज, वी कैन डिफाइन इट, the process
of conversion, the process of conversion, the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Is known as fermentation. तो ये किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है. रीजन आता है कि ईस्ट से एल्कोहल कैसे बन जाता है, यानी ईस्ट मिक्स करने से राइस में, बीट में या फ्रूट जूस में जब ईस्ट मिक्स करते हैं तो वो एल्कोहल क्यों देता है, एल्कोहल कैसे बनाता है? बिकॉज एज वी नो दैट इन द ईस्ट एनोरमिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस. And also we know that the product of anaerobic respiration is alcohol. The main product of anaerobic respiration is alcohol. So by mixing the yeast with these materials like rice, wheat, barley and fruit juices gives alcohol. And on large scale this process is used. तो ये था यूजेज ऑफ ईस्ट. इसके अलावा भी ईस्ट का बहुत सारे यूजेज होते हैं जो कि लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे ब्रेड बनाने में, इडली बनाने में, डोसा बनाने में और भी दूसरे चीजों में. तो ये सारे थे यूजेज. अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैड इफेक्ट क्या है, हार्मफुलनेस क्या है, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इट कैन इंटर्स इन आवर बॉडी एंड कॉजेज द डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग, एनिमल एंड प्लांट्स. इससे पहले थोड़ा सा और देख लेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो अभी तक जो देखे वो आउट ऑफ बॉडी था, बॉडी के बाहर का प्रोसेस था, यह एनिमल्स के बॉडी में भी प्रेजेंट होता है और हेल्पफुल होता है. तो किस तरह से? तो एज वी नो दैट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स need to digest the cellulose which is a complex carbohydrate. जो grass eating animals होते हैं वो cellulose containing food intake करते हैं, यानी cellulose वाले food वो लेते हैं, तो उनको cellulose को digest करने की आवश्यकता होती है. तो वो digestion होता कैसे है? तो by the action of bacteria, by the action of microorganism. That means we can say that the microorganisms or the bacteria also present inside the digestive system of grass-eating animals. Grass-eating animals के digestive system में भी bacteria present होते हैं, microorganism present होता है and it helps to digest the cellulose. ये किस चीज में help करता है? Cellulose को digest करने में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और इसके डाइजेशन में यह हेल्पफुल होता है. यह कहां प्रेजेंट होता है? र्यूमेन में होता है. द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन र्यूमेन, इन द र्यूमिनेंट्स. र्यूमिनेंट्स के जो र्यूमेन चैम्बर है, स्टमक का जो फर्स्ट चैम्बर है, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस के साथ या कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम में के रूप में प्रेजेंट होता है और सेलुलोज को वो शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नाउ वी विल सी द बैड इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल.
So many type of diseases, many diseases caused by microorganism, caused by microorganisms. तो सबसे पहले देखेंगे डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कैसे डिजीज होता है. तो बिफोर इट वी शुड नो हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू आवर बॉडी. कैसे इंटर करता है, इंटर इन आवर बॉडी, या हमारे बॉडी में इंटर कैसे करता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे ये प्रवेश करता है. तो देर आर मैनी सोर्सेस थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. बहुत सारे सोर्स हैं जिसके द्वारा ह्यूमन बींग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो प्रवेश करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द फूड, थ्रू द कट एंड वाउंड, by the help of mosquito and so on. So these are the sources through which microorganisms enter into the body of human and spread the disease, that means infected the health. So microorganisms enter into the human body कैसे इंटर करता है. तो ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये किस तरह से बॉडी में इंजेक्ट करता है. फर्स्ट थ्रू द एयर, थ्रू द एयर. When an infected person sneezes or coughs, नहीं, जब कोई इंफेक्टेड पर्सन, जब कोई संक्रमित व्यक्ति एयर में छींकता है या खांसता है, कोई भी इंफेक्टेड पर्सन जब वो छींकता है, खांसता है, तो उसके छींकने खांसने से लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो एयर में फैल जाते हैं. अब जो हेल्दी पर्सन है, नियर बाय द इंफेक्टेड पर्सन, द प्रेजेंट हेल्दी पर्सन ब्रीद इन दैट एयर through the inhaling air, the microorganism enters into the body of healthy person and the healthy person may be infected with cough and cold. A thousand number of people are infected with cough through the air or the breathing in the air nearby the infected person. जिस व्यक्ति को खांसी हो, सर्दी हो, उसके छींकने पर या खांसने पर जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, जो उसके आसपास हेल्दी पर्सन भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो जब ब्रीदिंग करते हैं तो उस ब्रीदिंग एयर के साथ उनके द्वारा मुंह से, नाक से जो निकलने वाले वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो उस बॉडी, उस व्यक्ति के शरीर में भी वो प्रवेश कर जाते हैं और उस व्यक्ति को उस बीमारी से इन्फेक्टेड कर देते हैं. तो एयर के थ्रू हमारे बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू कवर आवर माउथ एंड आवर नोज ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग. हमेशा आपको ऐसी सलाह दी जाती है आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा, आपके बड़ों के द्वारा,
कि छींकते या खांसते समय स्नीजिंग या कफिंग के टाइम हमें अपने मुंह को या नाक को कवर कर लेना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे छींकने या खांसने से हमारे आसपास रहने वाले लोग उस कफ से, उस कॉल से इन्फेक्टेड ना हो, ग्रसित ना हो। तो ये था फर्स्ट थ्रू द एयर। नेक्स्ट इज एज वी नो दैट द एना फ्लीज मॉस्किटो। तो बाय द mosquito, then by the mosquito, mosquito से कैसे होता है? तो इसमें हम देखेंगे first है female anopheles mosquito मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। पैरासाइट इंटू बॉडी ऑफ healthy person. Female anopheles जो है किसी healthy person के body में malaria causing parasite inject कर देता है। जब वह काटता है when it bites, आपको start में बताए थे क्या नाम है मलेरिया पैरासाइट का, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। नहीं, क्या है? मलेरिया पैरासाइट, याद रखेंगे नेम आप इसका, प्लाज्मोडियम। इसी के मल्टीप्लिकेशन से व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होता है, मलेरिया से सफर करता है। और ये प्लाज्मोडियम कैरी कौन करता है? Female anopheles. That means female anopheles mosquito is the carrier of malaria-causing pathogens, malaria-causing parasite. It acts like a carrier. It acts like a vector of malaria-causing pathogens. Malaria को फैलाने वाले, malaria parasite को फैलाने वाले carrier के रूप में यह काम करता है। ठीक ऐसे ही फीमेल एड्स एड्स एज अ कैरियर और वेक्टर ऑफ डेंगू। डेंगू वायरस को कैरी करने वाला मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, फीमेल एड्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो जब एड्स काटता है तो डेंगू का वायरस इंजेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी में, डेंगू का वायरस प्रवेश कर जाता है। जब एनाफ्लीज काटता है तो मलेरिया पैरासाइट प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से हम मलेरिया से सफर्ड होते हैं और डेंगू से पीड़ित होते हैं। यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ या वायरस, ये एयर के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं, मॉस्किटो के काटने से भी होते हैं। नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं फीमेल एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है, फीमेल एड्स के काटने से, एड्स नाम याद रखेंगे, एड्स नहीं, एड्स,
AEDES या डेंगू वायरस कैरी करता है, दैट मीन्स इट इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। नेम आपको याद रखना है, फीमेल एड्स इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, फीमेल एनाफिलीज इज द कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, यानी ये मलेरिया पैरासाइट का कैरियर है और ये डेंगू वायरस। तो ये तो हो गया मॉस्किटोस। अब है थ्रू द कट एंड बाउंस, थ्रू द कट एंड बाउंस, कहीं पर कट जाता है या कहीं घाव हो जाता है उससे बीमारी किस तरह से फैलती है। चलिए एक उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। थ्रू द फूड एंड वाटर, अक्सर हमें एडवाइस किया जाता है, ऑफन इट इज एडवाइस टू अस कवर फूड मटेरियल, फूड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कवर वाटर, दैट मीन्स ऑल द ईटेबल एंड ड्रिंकेबल मटेरियल शुड बी कवर्ड, because as we know that many type of mosquitoes and house flies sit on the garbage. House flies है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं through the house flies, क्या लिखोगे through the house flies, इसको आप ऐसे through the house flies. इट कैन सिट एनी वेयर, या कहीं भी बैठ सकता है। जनरली इट सिट्स ऑन द गार्बेज, ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट, ऑन द स्पॉइल्ड मटेरियल्स, सड़े हुए गंदे जगहों पर यह बैठता है, नाली किनारे अपने ड्रेनेज के किनारे, और वही हाउस फ्लाइज जो है वो हमारे फूड मटेरियल्स पर, बर्तन पर, या जो खुले में रखा हुआ फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उस पर बैठता है और उसे हम सीधे खाते हैं। तो जब यह किसी गार्बेज पे, किसी स्पॉइल मटेरियल पे, डिकम्पोज मटेरियल पे जब हाउस फ्लाइज बैठता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके बॉडी से चिपक जाता है, और जैसे फिर वही हाउस फ्लाइज हमारे फूड मटेरियल पर बैठता है या किसी बर्तन पर बैठता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बर्तन से या फूड मटेरियल से चिपक जाते हैं, और जब उस बर्तन में हम कुछ खाते या पीते हैं या फूड को खाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड के साथ, लिक्विड के साथ हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हम उस डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं जिस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो हाउस फ्लाइज आर ऑल्सो द वेक्टर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजन्स, हाउस फ्लाइज आर ऑल्सो कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजन्स, दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड द डिजीज ऑल्सो। अब हाउस फ्लाइज के काटने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन यह हर कहीं बैठने के कारण इसके बॉडी में बहुत सारे पैथोजन्स, यानी ऐसे जर्म्स जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं और फूड मटेरियल के साथ हमारे बॉडी में प्रवेश कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हाउस फ्लाइज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू स्प्रेड द डिजीज। सो वी शुड cover our food and water, or we should boil before the water to free from the pathogens. तो आज के लिए इतना ही, that's all.